कर रहा हूँ बज्म का आगाज तेरे नाम से, कर रहा हूँ बज्म का आगाज तेरे नाम से। मेरे मालिक है मेरी परवाज तेरे नाम से, और तेरी रहमत हर तरफ बरपा है कायनात में। दे रहा हूँ अमन को आवाज तेरे नाम से। बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी मिली जुली सभ्यता और मुश्तरका तहजीब की फसील पर जलते हुए सबसे रोशन चिराग की रोशनी साहिब सदर, और अपनी गुफ्तगू में उजालों को तकसीम कर देने का शऊर रखने वाली शख्सियत मोहतरम साबिक MLC जनाब उमर खान साहिब, और वो तमाम शख्सियत जो डाइस पर और मेरी निगाह के रूबरू कहकशा की शक्ल में मौजूद हैं, जिनका फर्दन फर्दन नाम लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बहरहाल वो तमाम लोग जो तहजीब के मुहाफिज हैं, अदब और साहित्य के अलम्बरदार हैं, हिंदू मुस्लिम एकता और इंसानियत के प्रस्तार हैं, उनकी खिदमत में मेरी मोहब्बतों का सलाम। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम हजरात। एक शायर में और एक आम इंसान में एक फर्क होता है, और वो फर्क आपने इन चार लाइनों में, इन चार पंक्तियों में महसूस कर लिया होगा, देख लिया होगा कि जब कोई कवि शब्दों से छेड़छाड़ करता है या कोई शायर लफ्जों से शरारत करता है तो बेसाख्ता गजल की तस्वीर बन जाया करती है। इसी तरह कोई अगर लिटरेचर का तालिबे इल्म है, उसकी गुफ्तगू में भी आम लोगों की गुफ्तगू के मुकाबले बड़ा फर्क होता है। तो दोस्तों, बहुत कीमती जुमला कहा है हमारे आशु मलिक जी ने कि आज का जो माहौल है, आज के जो हालात हैं, बड़े अजीबोगरीब हैं। इनको समझने की जरूरत है, इनको महसूस करने की जरूरत है। दामन इंसानियत हाथ से छूटने ना पाए, नजर मंजिल पर रहनी चाहिए और कदम साबित रहने चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम जो एक मिलीजुली सभा है, एक मोहब्बतों का एक कार्यक्रम रखा हमारे बिलाल साहब ने, और जनाब जो इस प्रोग्राम के कन्वीनर, मैं पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, और तमाम हाजरीन महफिल को भी कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात में से कुछ पल हमारे लिए निकाले और इस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम की रौनक में इजाफा किया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। तो हम चाहते हैं कि आप मुशायरे के माहौल में आने की ख्वाहिश रखते हैं, जो हमारे सामने मीडिया वाले इस प्रोग्राम को कैवरेज कर रहे हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपना काम, अपनी कैवरेज जो करके आज लेके जाएंगे, इनका हिंदी और उर्दू के जो प्रोग्राम होते हैं ये घर घर दिखाने का काम करते हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम के आगाज के लिए जिक्र रसूल और नाते नबी का होना बहुत जरूरी समझा जाता है, तो आज की नाते पाक के लिए और आज के प्रोग्राम के आगाज के लिए हम बहुत अदब के साथ मालेगांव से तशरीफ लाए अल्ताफ जिया से गुजारिश करते हैं कि वो नाते पाक के लिए तशरीफ लाए। कि अल्लाह मेरी फिक्र को ऐसी रसाई दे, अल्लाह मेरी फिक्र को ऐसी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। अल्लाह मेरी फिक्र को ऐसी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे, और कानों में मेरे खुल रहा है लहजा ए बिलाल, आवाज कोई दूसरी कैसे सुनाई दे। आइए जोरदार इस्तकबाल करते हैं जनाब अपने पसंदीदा शायर जनाब अल्ताफ जिया माइक। हर एक लफ्ज बने गुल, बयान खुशबू दे, करूं मैं जिक्र नबी तो जुबान खुशबू दे। क्या कहने हाजिर निगरामी, मोज़ज़ मेहमानान, शोरा इकराम, नाज़िम-ए-मुशायरा, दिगर गुलजार साहब,
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिगर साहब का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं नाते सवरे कौनैन से इस मुशायरे का आगाज करूँ। थोड़ी देर के लिए ये भाई, ये नात से अहम कोई काम हो ही नहीं सकता, प्लीज़ आप ये सब ना करें। बहुत बहुत अदबी तरीके से आप लोग बैठें, मैं नात के दो चार शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं, मतलब महसूस मुलाजा जी हुजूर अता कीजिए। मेरी आंखें हैं तलबगार मदीने वाले, मेरी आंखें हैं तलबगार मदीने वाले। अगर आपको कोई शेर कोई मिसरा अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह कहें, तालियां ना बजाएं, मेरी आपसे गुजारिश है। मेरी आंखें मेरी आंखें हैं तलबगार मदीने वाले, मेरी आंखें हैं तलबगार मदीने वाले, देख लो आपका दरबार मदीने वाले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि गाइस कर भी जो बैठे हैं अगर उनको भी सुनाई दे रहा हो तो वो भी सुभान अल्लाह कर सकते हैं। शेर पढ़ता हूँ, देख लो आपका दरबार मदीने वाले, आपका जिक्र मैं करता हूँ जब अपने घर में, कहते सुभान अल्लाह, आपका जिक्र मैं करता हूँ जब अपने घर में, मदीने वाले झूमते हैं दरो दीवार मदीने वाले। मेरी आंखें हैं तलबगार मदीने वाले, मेरी आंखें हैं तलबगार मदीने वाले। देख लो मदीने वाले, मोहतरम आसू मलिक साहब पूर्व मंत्री और उमर अली साहब पूर्व MNC यहाँ मौजूद हैं, इनके हवाले से ये शेर आपने पढ़ना चाहता हूँ। जी ऐसा कीजिए। देख लो आपका दरबार मदीने वाले, मेरे आके है तलबगार मदीने वाले, जब अपने घर में झूमते हैं दरो दीवार मदीने वाले। शरीक करता हूँ, मेरे छोटे हैं मुझे बहुत अजीज हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मुशायरे की और शेर इन तीनों साहबान के हवाले से पढ़ता हूँ। मुलाजा फरमाए, मेरी आंखें हैं तलबगार मदीने वाले, एक हो जाए
मदीने वाले आए शेख जिंदाबाद जिंदाबाद वाले मदीने वाले शेख सैयद हो या अंसार मदीने वाले मेरी आंखें हैं तलबगार मदीने वाले बिलखुसूस ये शेर आप सबके लिए इस पूरी महफिल के लिए जी इनायत कीजिए आप तो रोज ही आते हैं मेरी आंखों में आप तो रोज ही आते हैं मेरी अगर मुसरा लग गया हो तो आप सबकी दुआएं जी हुजूर अल्लाह ख्वाब तो रोज ही आते हैं मेरी आंखों में ख्वाब तो रोज ही ख्वाब तो रोज ही आते हैं मेरी आंखों में हो कभी आपका दीदार मदीने मदीने वाले हो कभी आपका दीदार मदीने वाले हो कभी आपका दीदार मदीने वाले मेरी आंखें हैं तलबगार मदीने वाले मक्ता पेश कर रहा हूँ चांद का नूर सितारों की जिया शाहिद है चांद का नूर सितारों की जिया शाहिद है चांद का नूर सितारों की जिया शाहिद है चांद का नूर चांद का नूर सितारों की जिया शाहिद है आप है मदीने वाले आप है मुंबई अनवार मदीने वाले आप है मुंबई अनवार मदीने वाले मेरी आंखें हैं तलबगार मदीने वाले देख लूं आपका दरबार मदीने वाले बहुत अच्छे सुभान अल्लाह बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी आंखों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी और जिब्रील पूछते हैं फरिश्तों से बार बार ये किसके लब पे नाते नबी थी अभी अभी मोहतरम दोस्तों ये हर दिल अजीज नौजवान शायर मेहमान शायर अल्ताफ जिया के मासूम से लबों पर नाते पाक झूम रही थी और हमें ये एहसास हो रहा था कि जैसे हम मदीने की गलियों में सैर कर रहे हो हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब जिया साहब के कि जिन्होंने नाते पाक से आज के इस प्रोग्राम का आगाज किया और इन फजाओं को बड़ी पाकीजा बनाया इन फजाओं के तकद्दुस में इजाफा किया आइए दोस्तों हम मुशायरे की तरफ चलते हैं और गजल का रुख करते हैं कि भले टूटी से ही मुझको मेरी झुकी में रहने दो भले टूटी से ही मुझको मेरी झुकी में रहने दो मुबारक शहर हो तुमको मुझे बस्ती में रहने दो और खुदा से दूरियां नजदीकियां तो दिल से होती है खुदा से दूरियां नजदीकियां तो दिल से होती है तुम अगली सफ में आ जाओ मुझे पिछली में रहने दो आइए दोस्तों